बोली बार कृष्ण भगवान की जय हो। ऋषि भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग गोलागतनी समाचार बटुए बक्सर से खबर के हेडलाइन सुनी। सदर प्रखंड के अंतर्गत कुलहरिया गांव में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा भइल प्रारंभ। आनंद ले रहल बड़न भागवत कथा के एजा के श्रोता। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बीएफए से जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत कुलहरिया गांव में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई, जौना में कथा व्यास के रूप में अयोध्या धाम से पधारल पंडित शैलेंद्र मृदुल जी महाराज के द्वारा भक्त के भगवान के अमृतमयी कथा के रसपान करावल गई। बीएफए के सबसे पहले यज्ञाचार्य श्री शुभंकित दीक्षित जी महाराज के द्वारा वेदी स्थापना आ व्यास पीठ पूजन संपन्न करावल गई। एकरा बाद पहिलका दिन कथा प्रारंभ करत पंडित शैलेंद्र मृदुल जी महाराज भक्ति ज्ञान आ वैराग्य के विषय में बड़ा ही सहजता से यानी आसानी से अत्यंत बोधगम्य शैली में वर्णन कैल, जरा के सुन के श्रोता भाव विभोर हो उठल। महाराज कहनी कि आज ऋषि के देश भारत में इतना तेजी से पैर पसारत विनाशकारी पाश्चात्य संस्कृति आधुनिक माता पिता उत्तरदायी बने। एकरा खातिर सीधे सीधा आधुनिक माता पिता ही उत्तरदायी बनन, जौन अपन लैकन के बढ़िया संस्कार नहीं दे। समाज के जागृत करत महाराज आगे कहनी कि माई बाबू के कार्य खाली संतान के जन्म देवल ही ना होला, बल्कि ओकरा के सुसंस्कृत करके समाज के उत्थान करे योग्य बनावे के भी माई बाबू के ही उत्तरदायित्व तो होला। यही श्रृंखला में शनिचर के तीसरा दिवस के कथा के प्रथम सत्र में सृष्टि के उत्पत्ति या विस्तार के कथा के वर्णन करत कथा प्रसंग में महाराज श्री कहनी कि परमात्मा मात्र भाव के भूखा होला, प्रेम ईश्वर प्राप्ति के एकमात्र आधार होला। अहेतुक स्नेही भगवान अपन भक्त के छीत के सरलता से ही अति शीघ्र ही संपन्न कह दिहनी। बता दी कि नवयुवक संघ दुर्गा पूजा कमेटी बड़की कुल्हरिया के द्वारा ही कार्यक्रम करावल जा रहा बा, जेकर अध्यक्षता मंटू यादव करतनी। उपाध्यक्ष बड़क यादव बानी। सदस्य के रूप में बेचन प्रसाद के श्री राहुल यादव, भगत सिंह, उपेंद्र कुमार, भानु सिंह, धनु यादव, संजय लाल, विष्णु भगवान के श्री संतोष लोहार। श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय भागवत कथा बटुए आज समाज दिग्भ्रमित हो रहा बटुए। एकरा पीछे यही कारण बटुए कि भक्ति या भाव धीरे धीरे विलुप्तता के कगार को पहुँचत हो, लेकिन भक्ति या भाव के अलख जगावे के काम यह कुल्हरिया गांव के लोग कैले बड़न, जवन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन कैले बड़न। यह भागवत कथा में अयोध्या धाम से पधार विद्वान कथाकार बानी। यहाँ के बतैनी कि आज हमनी के संस्कृति आ संस्कार पे चोट पहुँचावल जाता वो पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा। आज लोग के सुधरे के होई, माई बाबू के सुधरे के होई, अपन बच्चन को विशेष करके ध्यान देवे के होई, तब जाके हमनी के पुनः उहे भारत के सपना देख सकीला जवन त्रेता द्वापर में देखली जाए। भोजपुरी समाचार चैनल सब्सक्राइब करी, लाइक करी या खबर के दबा के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।